एडीओ समाज कल्याण विभाग पर 2000 रुपए लेकर लोन की फाइल पर रिपोर्ट न लगाने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वो कई माह से चौमुहा ब्लॉक के चक्कर काट रहा है, लेकिन समाज कल्याण अधिकारी हर बार उन्हें टरका रहे हैं। चौमुहा विकास खंड कार्यालय पर पहुंचे पेलखू निवासी गुड्डू का कहना था कि उसने गांव में दुकान खोलने के लिए लोन लेने के लिए समाज कल्याण अधिकारी के पास 6 माह पूर्व आवेदन किया था। समाज कल्याण अधिकारी ने लोन की फाइल को पास करने के लिए उससे 2000 रुपए भी ले लिए, लेकिन अभी तक उसकी फाइल पास नहीं हुई, जिसके बाद वो लगभग 6 महीने से एडीओ समाज कल्याण अधिकारी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन हर बार एडीओ साहब उसे कोई न कोई बहाना बनाकर टरका रहे हैं। गुड्डू का कहना था कि वो मजदूरी कर किसी तरह से अपने परिवार की गुजर बसर कर रहा है। गाँव से ब्लॉक आने के लिए अब उसे कर्ज पर पैसा मांगना पड़ता है। गुड्डू ने जिलाधिकारी से जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। नाम आपका? गुड्डू है जी। कहाँ से आए हो? पेलखू से। पेलखू से यहाँ विकासखंड कार्यालय किस लिए आए हो? जी एक लोन के चक्कर में जी। काहे का लोन था? दुकान का है जी, एससी का। कितना लोन था? 1.5 लाख रुपए। तो लोन हो गया आपका? नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं जी, कभी तो ये यूँ कह देते हैं पचौरी साहब के फाइल पहुँचा दी हमने वहाँ, और वहाँ पहुँची नहीं है जी। आज 5-6 महीने से चक्कर काट रहा हूँ जी, कभी कछु कह देते हैं कभी कुछ कह देते हैं, और मेरा काम हो नहीं रहा है। हो नहीं रहा है? पेट्रोल को फुकवा देते हैं, तुम मिलाओ कहते लाता हूँ उधार सुधार, और पैसा कहाँ से लाऊं बताओ। तो इसके एवज में आपसे कुछ पैसे वैसे की डिमांड भी की गई थी? हाँ जी, पैसा लिए कचौरी साहब ने। कितने रुपए लिए? 2000 रुपए। उसके बावजूद भी आपकी फाइल नहीं पहुँचाई? ना पहुँची जी। आप करते क्या हैं जी? मैंने वृंदावन वही झाड़ी मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो जी? पैसे लेने के बाद भी अभी आपका काम नहीं हुआ? नहीं हुआ जी।